दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जेएसएससी के रजिस्ट्रेशन के बाद वाला प्रोसेस देखने वाले हैं। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा और इस आई बटन में भी जा करके आप देख सकते हैं वीडियो। दोस्तों, उस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस अच्छे तरीके से बताया गया है और उसमें जावा स्क्रिप्ट का जो प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के बारे में भी अच्छे से बताया गया है। आप वो वीडियो देख करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन अच्छे से कर सकेंगे। तो इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन के बाद वाला प्रोसेस देखने वाले हैं, एजुकेशन डिटेल्स और एड्रेस वगैरह फिल करने के प्रोसेस को देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट में आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके आ सकते हैं। इसके बाद आपको अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आप यहाँ से फॉर्म फिल करके कर सकते हैं, या नहीं तो बैक करके यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करके आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और ये कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लें। तो हमने यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम लॉगिन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर पूरा यहाँ पर फॉर्म आपको जो भी आपने फिल किया था वो यहाँ पर कैंडिडेट डिटेल्स में दिखेगा। इसके बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल्स आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर यस करके अपना पति या पत्नी का नाम यहाँ पर डालना है। अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पर नो कर दें। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है। इसके बाद आपको दो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर डालना है, जो भी आपके शरीर में कट या मोल मार्क का निशान है वो निशान यहाँ पर डालना है, दो निशान यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको विलेज टाइप करना है। इसके बाद पुलिस स्टेशन आपका जो भी है वो यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस आपका जहाँ पड़ता है वो यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट के हैं आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। इसके बाद आपका यही एड्रेस परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आप चेक मार्क कर दें, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो दूसरा कुछ है तो यहाँ पर अनचेक करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले टैब में यहाँ पर आपको 10th, 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट ले करके यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल करना है। पहले वाले में आपको कॉलेज या स्कूल का नाम डालना है। इसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो भी है, जैक बोर्ड या जो भी यूनिवर्सिटी है आपका, जो भी बोर्ड है वो यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद पासिंग डिटेल्स, जिस ईयर में आप पास किए हैं वो आपका सर्टिफिकेट में दिख जाएगा, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपका मार्क्स जितना भी परसेंटेज का है वो यहाँ पर परसेंटेज आप डाल दें। इसके बाद सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर टाइप करके डालना है, कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं देना है। उसी टाइप से ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन का भी डालना है। इसके बाद आपको पोस्ट डिटेल्स में आपको पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट पेपर लैंग्वेज, मतलब पेपर टू का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो पेपर टू क्या सेलेक्ट रखना चाहते हैं आप, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर खोटा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ पर खोटा सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट में क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पूरे फॉर्म को अच्छे से फिल कर लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप एक बार फिर से अपने पूरी एप्लीकेशंस को यहाँ पर रिव्यू कर लें, अच्छे से देख लें। इसके बाद यहाँ पर फाइनल प्रोसेस यहाँ पर करना है, यहाँ पर प्रोसेस फॉर पेमेंट में क्लिक करना है। तो इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू पे योर एग्जामिनेशन फ़ी आफ्टर 24 आवर, मतलब कि 24 आवर के बाद आपको पेमेंट करना है। इसके बाद फिर से 24 आवर बाद आप फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। तो आप अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर को क्रॉपिंग करके साइज वगैरह सेट करके रखें, जैसे 20 KB से 50 KB तक का होना चाहिए, और 24 घंटे बाद हम इसे पेमेंट करेंगे। जैसे कि हम अगर अभी सबमिट टू प्रोसेस पेमेंट अगर करते हैं तो यहाँ पर हमें एक न्यू पेज में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और यहाँ पर हम जैसे कि चेक मार्क करके यहाँ पर प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस भी कैटेगरी का ये एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आपको कंफर्म नहीं है तो आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके देख लें। तो यहाँ पर कैटेगरी कंफर्म करने के लिए आप जो नोटिफिकेशन डाउनलोड किए हैं उस नोटिफिकेशन में वहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर JGGL CCE 2021,
तो ये वाला कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ये वाला कैटेगरी है, तो इसे हम सेलेक्ट करके और एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, इसे हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा 24 घंटा नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्लीज़ वेरीफाई डाटा इंटर ट्राइगन, ये ट्राइगन ये एरर आ रहा है। तो 24 घंटे बाद हम पेमेंट करेंगे इसे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पेमेंट और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बारे में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिला होगा। तो अगर आपके लिए यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, ताकि आगे भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।